हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ, जैसे कि आप सभी प्याज का मतलब हरी वाला जो पत्ता वाला प्याज होता है वो, उसका पकौड़ी बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो काफ़ी टेस्टी बनता है इसका सब्जी। कैसे कैसे सामान रखते हैं, जगह बहुत कम होता है तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जैसे तैसे एडजस्ट हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं, एक प्याज का तड़का भी देंगे, एक ही आम है अगर तो हम पीस लेते मसाले के लिए। इसके बालों का चांद निकाला निकाल दिया है, नाचते चले अभी जिसको हम नाचता है नहीं भी है नाचता दे सकते हैं पहले। बाबू वो चलो अपना नाश्ता कर लो, टिफिन ले लो। आइसक्रीम में थोड़ा सा लहसुन और प्याज को पीस के मतलब रखी हूँ और दो चार टमाटर डालेंगे मीडियम साइज का, ज़्यादा बड़े नहीं। भी आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि संडे था, तो मैं भी एकदम आराम से ही उठी हूँ, सो के कोई हड़बड़ी नहीं थी, तो इस वजह से लेट हो रहा है अभी खाना के लिए, लेट हो रहा है क्योंकि भाई का तो मतलब ऑफिस होता है संडे को, उसका वेनेसडे को छुट्टी होता है, इसलिए बाकियों को तो नहीं होता है लेट, तो छुट्टी मना रहे हैं। जल्दी जल्दी करें, फिर चलाने के बड़ा हो गया, छाने भी अच्छा था और अभी ना ओपन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसको हटाएंगे। मेरा तो संडे स्पेशल नहीं है, बस ऐसे ही है, यही बोलूँ। हमारा जो बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी मिर्ची नमक और मिक्स मसाले, और कुछ नहीं। सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, आज अभी भी बस पकौड़ी का सब्जी बना के ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। मसाला था ना वो मेरे पास, इसमें डालेंगे पानी और पानी डाल के ना थोड़ा सा उबलने के बाद पकौड़ी डालते हैं, इसका जो ग्रेवी रहता है ना उसको पकाने के बाद, तो जो पानी है ना वो पकौड़ी में अंदर घुस जाएगा, तो फिर वो खाने के बाद पानी पानी टाइप ही लगता है। तो सबसे पहले ग्रेवी को पका लेंगे, अब चलते हैं रोटी बनाएंगे। छोटी सी रोटी
अभी हमारी ग्रेवी पक चुकी है और लगभग क्या पकी गई है, क्योंकि हो गया 4-5 मिनट उबलते हुए और हमने पानी भी गर्म ही डाला ताकि ताकि जल्दी से बन जाए। इसको ओपन करते हैं। हमारी जो प्याज वाली पकौड़ी है ना, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि तो मेरे इनको भी डाल के पकाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पकाना है भाई, इसको भी पकाना है, पर क्या है कि पकने के बाद ही डालना होता है, नहीं तो फिर उसके अंदर पानी घुस जाता है ना, तो पानी का टेस्ट आता है। हमारी रोटी भी चली गई लगभग वक्त है। दो तीन बचा लिया पकने लिए, पहली बात में इसको ढक के ना 2 से 3 और पका ली। हमारी ये रोटी की शक्ल है जो जला दी, एक काम करने में एक काम बिगाड़ दी। तो लगता है फूल जा गई, नहीं फूली, ऐसे ही होता है। एक कमर पर एक खराब, एक कमर पर एक खराब, ऐसा वाला होता है। अच्छा तो हमारी ये रूटीन, डेली रूटीन की जो वीडियो है, आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।